अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया था, इसमें स्टोरेज में आ गए थे, जो B9 वाली हमारी ऐप है फायर बेस की, इसके स्टोरेज में हम आ गए थे। और उसके बाद मैंने क्या करना था, यहाँ पे जो रूल्स हैं इसके, ठीक है, रूल्स में जाके चेंजेस मुझे कुछ करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो अभी रूल लगा हुआ है ना इस वक्त, ठीक है, अभी रूल क्या लगा हुआ है कि रीड राइट फॉल्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो उसमें रीड राइट काम नहीं करेगा, तो उसको मुझे ट्रू करना होगा ना। अच्छा, स्टिल ये जो है ना क्या करता है, ये डेटाबेस को आपके पूरे ओपन कर देता है कि कोई भी बंदा, अच्छा, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिक्योरिटी रूल्स लगते हैं बाकायदा कि क्या क्या क्राइटेरिया हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे केस में ये मैटर नहीं करता, हमारे केस में ये इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि हम इसको सर्वर से डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा क्या होगा कि हमारी जो फायर बेस का किसी भी किस्म का जो टोकन वगैरह और एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं, ये फ्रंट एंड पे नहीं होंगी, ठीक है। फायर बेस आपको ये भी अलाउ करता है कि आप डायरेक्ट फ्रंट एंड से क्या कर दें, फाइल अपलोड कर दें। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये आप इस तरह ट्रू करेंगे ना, तो वो वल्नरेबल हो जाता है। उससे होगा ये कि फिर वो टोकन तो आपका, क्योंकि पब्लिक होता है, तो वो कोई भी उठाएगा, रीड राइट कर सकता है, तो कोई भी बंदा आपकी पूरी फायर बेस को हाईजैक कर सकता है ना, उसकी सारी फाइलें डिलीट कर सकता है, या उसमें अपनी मर्जी की फाइलें अपलोड कर सकता है किसी भी लिमिट के बगैर। तो वो उसके लिए आपको फिर इसके ना पूरे रूल रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे, ये आप जाएंगे ना व्यू द डॉक में। लेकिन हम क्योंकि इसको सर्वर से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए वो सारी चीज़ें इररेलीवेंट है। अच्छा, फायर बेस जो बकेट है इसमें दोनों से अलाउ करता है, इसी तरह क्लाउडनरी जो है वो भी दोनों से अलाउ करता है, ठीक है। तो उसमें भी दोनों, फ्रंट एंड से लगाने का तरीका इंटायरली अलग है, बैक एंड से लगाने का तरीका इंटायरली अलग है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इसी तरीके से जो AWS का S3 है, AWS S3 जो है वो फ्रंट एंड से अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ बैक एंड से अलाउ करता है, ठीक है। तो अच्छा, आगे चलते हैं अब हम। तो ये हमारे पास हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया, वापस मैं फाइल्स में आ गया। अच्छा, वापस मैं फाइल्स में आने के बाद अब मुझे यहाँ से इसके क्रेडेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, राइट। तो क्रेडेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आ जाता हूँ मेरे कोड में कि मैंने कौन सा वाला क्रेडेंशियल इसमें लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो क्रेडेंशियल लगाया हुआ है वो सर्विस अकाउंट लगाया हुआ है, ठीक है। सर्विस अकाउंट क्या चीज़ होती है, गूगल क्लाउड के ऊपर ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, एक गूगल का अकाउंट क्रिएट करते हैं एक्चुअली आप, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंट होता है ये यूज़र अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। इसको, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ये गूगल क्लाउड का कॉन्सेप्ट है और गूगल की हर प्रोडक्ट में ये एज इट इज़ अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट है। जो गूगल पे क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे, जैसे ये फायरबेस की ऐप है, ये फायरबेस की क्या है, एक ऐप है। अब मैं इसका एक्सेस आपको दे देता हूँ, तो आप भी इसको लॉग इन कर सकते हो, आप भी इसकी चीज़ों को देख सकते हो, पता है ना, सबको कोलैबोरेटर्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरह गिटहब की रिपोजिटरी में भी तीन लोग वो अलाउ कर देता है कि फ्री में आप ऐड कर सकते हैं, तीन से ज़्यादा ऐड करो फिर पैसे मांगता है, तो कोलैबोरेटर ऐड हो जाते हैं कि जी आप भी, अब मैंने मिसाल के तौर पर एक रिपोजिटरी बनाई, आपको मैंने एक्सेस दे दिया, तो आप भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी तीन लोग टोटल चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी ये डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं ना, इसमें एक कोलैबोरेशन का हिसाब किताब होता है। अच्छा, तो अब गूगल के अंदर भी क्या होता है कि मैंने गूगल ऐप बनाई है, मैंने फायरबेस की ऐप बनाई, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें मैं जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में जाके मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ ये ऐप ना, कहाँ गया, इसमें शेयर का नहीं आ रहा, यूज़र परमिशन, ये रहा, अभी यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, मैं आप में से किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, तो लिहाजा होगा क्या कि जैसे ही मैं आपको ऐड करूँगा तो आपके पास एक ईमेल जाएगी, आप जस्ट एक बटन दबाएंगे एक्सेप्ट, तो क्या होगा कि आप जब अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे ना इधर, तो यहाँ पे आपको ये SMIT B9 की ऐप नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। तो आप भी इसी ऐप में चेंजेस कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, दो बंदे चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसको बहुत गौर से समझना, मैं जब तुम्हें एक्सेस दूंगा तो तुम्हारा जीमेल का अकाउंट पहले से होना चाहिए, गूगल का अकाउंट पहले से होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एक्सेस नहीं दे सकता मैं तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारे पास, तुमने कोई ईमेल मुझे भेजी ऐसी जो जीमेल का नहीं है, किसी और का, तो उस पर नहीं होता फिर, ये आपको जीमेल बनाना पड़ता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो लिहाजा इससे क्या पता लगा कि अगर मुझे इस ऐप का एक्सेस आपको देना है, तो आपके पास एक गूगल का यूज़र ग्रेड का अकाउंट होना ज़रूरी है आपके पास। अच्छा, यूज़र ग्रेड का अकाउंट होने का मतलब ये है कि वो आपसे मोबाइल फ़ोन की वेरिफिकेशन भी मांगेगा, वो आपसे जो है वो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी मांगेगा, सही है, इस तरह की जितनी भी वो लवाजमात है, हो सकता है कार्ड भी मांग ले आपसे आपकी वेरिफिकेशन के लिए कि आप एक रियल ह्यूमन हैं या नहीं है, आपसे वो रोबोट चेक भी मांगेगा। तो ये सारे चेक लगाने के बाद ना, वो आपको एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करके देता है जो यूज़र ग्रेड का अकाउंट होता है, ठीक है। आप एक क्या होते हैं, इसके ऊपर एक फर्स्ट क्लास सिटीज़न होते हैं आप गूगल के ऊपर, और आप एक गूगल के यूज़र होते हैं बाकायदा। अच्छा, उस यूज़र अकाउंट के ऊपर आपको जीमेल भी मिलता है, गूगल ड्राइव भी मिलता है, जो भी सारे इसके जो रिसोर्सेज हैं ना, वो सारे आपको मिल जाते हैं।
अच्छा, ये समझ आ गया कि यूज़र लेवल अकाउंट क्या होता है गूगल के ऊपर। अब चक्कर ये है कि हमारे पास ना, जैसे ये अब ऐप है, ये स्टोरेज आ गया मेरे पास, अब इसका मैंने एक्सेस आपको दे दिया, आपके पास भी इस तरह दिखने लग गया। यहाँ से आएंगे, अपलोड फाइल का बटन दबाऊंगा मैं, और अपलोड फाइल करके ये मैंने एक एक पिक्चर थी, डबल क्लिक किया, ये अपलोड हो गई। तो मैं भी ये काम कर पा रहा हूँ, आप भी ये काम कर पाएंगे, सही हो गया। लेकिन मेरा चक्कर अभी ये है कि इतना तो चलो समझ आ गया, लेकिन मुझे ये काम मेरी ऐप से करवाना है, ठीक है। ये ऐप, ये अपलोड हो गई पिक्चर, यहाँ पे ये दिखना भी शुरू हो गई है, और यहाँ पे इसका ये लिंक आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका एक URL भी मिल जाता है इस पिक्चर का। ये URL पब्लिक है, ये किसी को भी शेयर करूँगा मैं ये, चले क्योंकि स्टोरेज बकेट है ये, ठीक है। तो इट इज़ वर्किंग जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, बट मुझे इसको इस तरह से नहीं चलाना है, मुझे इसको चलाना है अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए। मुझे क्या करना है कि यही काम जो अपलोड मैंने यहाँ डैशबोर्ड से किया है, वो मैंने कहाँ से करना है, अपने Node.js के सर्वर से करना है। फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं हम, लेकिन वहाँ से अभी हमारा टॉपिक नहीं है वो, ठीक है। फ्रंट एंड से हम नहीं कर रहे, हम बैक एंड से करेंगे डायरेक्ट। अच्छा, तो उसके लिए गूगल मुझे क्या कहता है, उसके लिए गूगल मुझे कहता है कि आप क्या करो, एक अदद सर्विस अकाउंट बनाओ। सर्विस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है कि जो एक ख़ास पर्पज़ के लिए बनता है, उस पर कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। तो एक ख़ास तरह का सर्विस अकाउंट बनाओ आप। अच्छा, सर्विस अकाउंट में भी क्या होता है, जैसे यूज़र अकाउंट में क्या होता है, ईमेल होता है और पासवर्ड होता है ना, तो सर्विस अकाउंट में भी इसी तरह होता है, एक यूज़र होता है और एक पासवर्ड होता है। लेकिन वो जो अकाउंट होता है वो ख़ास पर्पज़ के लिए बनता है। अच्छा, यूज़र अकाउंट वो बन गया सर्विस अकाउंट। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऐप का एक्सेस मैं उस सर्विस अकाउंट को दे देता हूँ, सही हो गया। अब क्या कर सकता हूँ, मैं भी इस ऐप को खोल सकता हूँ, आप में से किसी को मैंने दिया था एक्सेस वो भी खोल सकता है, और सर्विस अकाउंट के ज़रिए भी इस ऐप को एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, ये स्पेशली गूगल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, AWS पर ज़रा मुख्तलिफ है ये मैं स्पेशली गूगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये किसी और के बारे में बात नहीं हो रही। तो अब क्या हो सकता है कि मेरा ये बना हुआ अकाउंट तीन तरह से एक्सेस हो सकता है, मेरे अकाउंट से, ऐसे डैशबोर्ड से, आप में से जिसको मैंने एक्सेस दिया था वो इसको खोल सकता है, और सर्विस अकाउंट के ज़रिए भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सर्विस अकाउंट जो है ना, वो मैं क्या करता हूँ, सर्विस अकाउंट की जो सारी डिटेल है वो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मैं लगा देता हूँ। जैसे MongoDB में करते थे ना, MongoDB.connect ऐसे करते थे ना, उसमें एक पूरा वो डालते थे URL, उसमें वो यूज़र नेम कॉलन पासवर्ड और फिर उसके बाद वो पूरा उसका URL। तो इस तरह से क्या करता हूँ, मैं पूरा ऑब्जेक्ट बना के उसको जब फायरबेस को इनिशियलाइज करता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं सर्विस अकाउंट लगाता हूँ, ठीक है। सर्विस अकाउंट जो है वो बाकायदा एक अकाउंट होता है, लेकिन वो यूज़र ग्रेड का नहीं होता, यूज़र लेवल का अकाउंट नहीं होता वो, बल्कि सर्विस लेवल का होता है, ठीक है। वो एक ख़ास मकसद के लिए होता है, उससे कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब आ जाते हैं फायरबेस क्या करता है, कि जैसे ही मैं ये ऐप क्रिएट करता हूँ फायरबेस के ऊपर, ठीक है, मैंने ये SMIT B9 के नाम से एक ऐप क्रिएट की थी, उसके अंदर ये स्टोरेज वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं। तो सेटिंग के अंदर जब मैं जाता हूँ और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्विस अकाउंट गूगल ने ख़ुद से बनाकर यहाँ पे मेरे लिए रख दिया है, ठीक है। और उस सर्विस अकाउंट को जो रिक्वायर्ड एक्सेस था ना, वो सब दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अच्छा, अगर ये सम और डिलीट हो जाए ये सर्विस अकाउंट, तो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ, और फिर मैं इस सर्विस अकाउंट को जो अप्रोप्रिएट एक्सेस होगा वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 8 सर्विस अकाउंट बना हुआ है इस ईमेल से ना, और इस ऐप के अंदर अंदर 8 सर्विस अकाउंट बना हुआ है। तो अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, अभी मैं टू कीप इट सिंपल मैं जस्ट क्या क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा कि जनरेट न्यू प्राइवेट की, इसको क्लिक करके मैं और जनरेट की का बटन दबा दूंगा। तो ये मुझे क्या कर देगा, एक अदद जेसन डाउनलोड कर देगा ये, ठीक है। ये एक अदद जेसन मेरे पास डाउनलोड हो गया। अच्छा, इस जेसन को, ये जेसन क्या है, वो उस सर्विस अकाउंट की जो ईमेल पासवर्ड की सारी डिटेल्स है ना, ये वो इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कहाँ पे चाहिए, मेरे सर्वर के ऊपर चाहिए, ताकि मेरे सर्वर से जब मैं फाइल को अपलोड करूँ ना, तो वो साथ में वो क्रेडेंशियल साथ अपने लेके जाए। अच्छा, तो मैं आता हूँ जी डाउनलोड्स के फोल्डर में अपने, और डाउनलोड्स के फोल्डर में आके मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, राइट। इस पूरे टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डोंट सेव, ठीक है। ये पूरा टेक्स्ट मेरे पास कॉपी हो गया, और उसको मैं कहाँ रख लेता हूँ, अपने पास सर्वर के किधर, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये मेरा सर्वर का एनवायरनमेंट वेरिएबल है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे जो है ना, मैं क्या कर लेता हूँ, इस पूरे के पूरे जो सर्विस अकाउंट वाली जो चीज़ है ना, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि सर्विस अकाउंट के अंदर, सॉरी, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि की वैल्यू पेयर मुझे चाहिए होता है ना,
मैं इस तरह जेसन नहीं रख सकता, तो मैं इसको की वैल्यू पेयर बना लेता हूँ टू कीप इट सिक्योर। इसको मुझे यहाँ से अनवेल नहीं करना है, मुझे इसको क्या करना है, ओके ठीक है, इस तरह है ना, और इक्वल्स इक्वल्स करके जहाँ डबल हो गया उसको हटा देते हैं। अच्छा तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कि टाइप प्रोजेक्ट आईडी प्राइवेट की, प्राइवेट की दो दफ़ा है, क्लाइंट ईमेल, क्लाइंट आईडी, ऑथ यूआरआई, टोकन, ऑथ प्रोवाइडर, जो भी इसके अंदर चीज़ थी वो सारी मैंने यहाँ पे रख दी, सही है जी। अच्छा ये चीज़ें रखने के बाद, अच्छा मुझे इसमें से सब नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मुझे सिर्फ ये प्राइवेट की वगैरह दो तीन चीज़ें चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए, तो मुझे जो नहीं चाहिए होगी मैं बाद में उसमें से उड़ा दूंगा। वेल तो मैंने इसको सिक्योर कर लिया, सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ना एक प्रीफिक्स भी लगा लेता हूँ, क्योंकि यार ये इतने सारे नाम है, हो सकता है किसी दूसरे से ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, तो मैं इसको लगा लेता हूँ फायर बेस अंडर स्कोर लगा देता हूँ इसके साथ, सही है, फायर बेस अंडर स्कोर मैंने लगा दिया इसके साथ, ताकि वो क्या हो, फायर बेस अंडर स्कोर टाइप हो, फायर बेस अंडर स्कोर प्रोजेक्ट आई डी हो, ताकि किसी दूसरे नाम के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके, इसलिए मैंने एहतियातन ये काम किया, ठीक है जी। और अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने होम के ऊपर, तो मेरा जो फायरबेस के अंदर करने का काम था ना, फायरबेस के डैशबोर्ड पे करने का काम, वो यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा अब मैं वापस अपने ये कोड में आता हूँ जो डॉक्यूमेंट में फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं अपने सर्वर के ऊपर ना ये सारी चीज़ें क्या करता हूँ, एक एक करके इंस्टॉल करता हूँ। मुझे कोर्स चाहिए, मुझे FS चाहिए, मुझे मल्टर चाहिए, तो ये इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मेरे पास सर्वर में पहले से मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं वो मैं कर लूँगा, ठीक है। ये देखो बॉडी पार्सर करके ये एक पैकेज है, ये जिस ज़माने में ये कोड मैंने लिखा था उस ज़माने में ये चलता था, अब तो बॉडी पार्सर यूज़ नहीं करते हम, कहते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन, उसी से बॉडी पार्स हो जाता है, ठीक है। तो अब एक एक करके यहाँ से ना हम उठा के कोड अपना कहाँ लेके जाते हैं, अपने सर्वर में लेके जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मेरे सर्वर पे मैं आ जाता हूँ, ये मेरा सर्वर डॉट एम जी एस है। अच्छा मुझे यहाँ तो नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे जहाँ से फाइल अपलोड की जो मेरे पास आ रही है चीज़, मुझे वो वाली जगह पे जाना है ना, वो एक्चुअली मेरे पास राउट्स में आ रहा होगा ना, ठीक है। ये पोस्ट, राइट, पोस्ट जो बंदा करता है, तो ये उस जगह की कहानी है। अच्छा जी पोस्ट गेट करने की एपीआई हो गई, इसको मैंने बंद किया, ये गेट की एक और एपीआई हो गई, ये भी गेट की एपीआई हो गई, ये पुट की हो गई, ये डिलीट की हो गई, और ये पोस्ट की हो गई, ठीक है। तो यहाँ, अच्छा नहीं ये तो डू लाइक है ना, ये भी नहीं है, अबे वो कहाँ चला गया, पोस्ट करने की ये भी आई, अच्छा ये आ गया राउटर डॉट पोस्ट स्लैश पोस्ट, तो ये पोस्ट करने की एपीआई है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जो है मुझे अब क्या करना है, मुझे दो तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो फ्रंट एंड से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, अब वो है मेरे पास फॉर्म डेटा वाली रिक्वेस्ट, तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग कर देता हूँ कि ये फॉर्म डेटा यहाँ पे बॉडी आना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी मैं हिट करूँगा ना जब, तो टाइटल और टेक्स्ट मुझे अनडिफाइंड मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, अभी जब मैं वहाँ से हिट करूँगा ना फ्रंट एंड से, तो ये मुझे ये अनडिफाइंड मिलेगा। आ जाओ ज़रा फ्रंट एंड से इसको हिट करके देख लेते हैं, फ्रंट एंड पे मेरे पास ये चल रहा है ना, अब देखो यहाँ से मैं लिख के जब भेजूंगा ना इसको, तो ये अनडिफाइंड मिलेगा, क्यों मिलेगा अनडिफाइंड, सही है। कोई फाइल भी सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो यहाँ से, ठीक है फाइल भी सेलेक्ट कर ली, और अब मैं पब्लिश पोस्ट का बटन दबाता हूँ, तो देखो क्या हो गया 403 फॉरबिडन, और जब मैं यहाँ सर्वर पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोलेगा कि यार ये मुझे मिला ही नहीं, ठीक है, वो बोलेगा ये तो मुझे मिला ही नहीं। अच्छा कॉन्सोल मैंने कुछ भी नहीं करवाया, तो इसलिए मुझे कॉन्सोल पे ये प्रिंट नहीं हुआ, मुझे फ्रंट एंड पे ये मिल रहा होगा ना, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिसिंग मुझे मिल रहा होगा। आके देखते हैं इसको कहाँ से दिखता है, वो नेटवर्क से दिखता है ना, ये क्या सीन है, क्लिक नहीं हो रहा, ये देखो पोस्ट में जो 403 आया ना, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, क्योंकि मैंने तो वो जेसन का सिर्फ पार्सर लगाया हुआ है, तो वो जेसन की रिक्वेस्ट को देखता है तो पार्स करता है, अगर वो रिक्वेस्ट जेसन की नहीं है कुछ और है तो उसको पार्स ही नहीं करता, छोड़ देता है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये वो पार्सर अपना चेंज करना होगा। अच्छा वो किस तरह करते हैं, वो मुझे, मैं शुरू में करता हूँ ना, वो तो रूट के ऊपर, मैं अपने सर्वर डॉट एम जी एस की फाइल में वो कर रहा होता हूँ,
तो ये जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ना बॉडी पार्सल, ये है ना मेरा बॉडी पार्सल, तो इसी के साथ साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक फॉर्म डेटा का भी पार्सल लगाना पड़ेगा। फॉर्म, अरे फॉर्म डेटा कैसे होता है, फॉर्म डेटा पार्सल देख लेते हैं ज़रा वो किस तरह होता है, मैं भूल गया। एक तो असल में उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं ना, बॉडी पार्सल नहीं, बॉडी पार्सल नहीं, एक तो बॉडी पार्सल से करने का तरीका ये है, लेकिन अब बॉडी पार्सल की लाइब्रेरी क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, एक्सप्रेस में इटसेल्फ उन्होंने ये दे दिया है। अरे क्या सीन है ये, इसमें मैं लिख देता हूँ ना विदाउट बॉडी पार्सल, किसी ने भी नहीं बताया भाई ये क्या चक्कर है। चलो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, हमारी चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है। किसी ने यार बताया भाई नहीं है, हाउ टू पार्स क्या था वो, फॉर्म डेटा बॉडी विथ जस्ट एक्सप्रेस जेएस, ये बताएगा हमें सही। ये देखो बता दिया इसने, बिल्कुल बेहतरीन सही बता दिया। देखो जब ही तो यार आई लव चैट जीपीटी। अब ये मुझे देखो पता था कि इस तरह होता है, लेकिन मैं सिंटैक्स भूल गया था उसका, अब वो मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें मिल ही नहीं रहा। एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड और एक्सटेंडेड ट्रू, दैट्स इट। अब ये मेरे ख्याल सजेशन में भी ये दे तो रहा था, हाँ सजेशन में भी दे रहा है, लेकिन अब वो मैं एग्जैक्टली भूल गया था कि वो होता किस तरह है। तो मुझे चैट जीपीटी ने इसमें क्या कर दिया, हेल्प आउट कर दिया। तो ये वाली लाइन लिखने के बाद अब क्या होगा, अब वो मुझे बॉडी में ना उसी तरह मिलना शुरू हो जाएगा जैसे जेसन मिला करता था। तो अब देखते हैं दोबारा हिट करके, अब मुझे अब ये वाला इफ़ क्रॉस हो जाना चाहिए, अब इस वाले इफ पे फंसना नहीं चाहिए इसको। अच्छा इफ ये वाला इफ अगर क्रॉस हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, तो ये वाला इफ क्रॉस होने के बाद नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको रोक सके, तो वो पोस्ट हो जाएगी बगैर इमेज के, वो पोस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा फिर हम इमेज वाला हम थोड़ी देर में देख लेंगे उस पर। अच्छा अब मैं आके ज़रा इसको दोबारा हिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है मैंने चेंज नहीं किया, मैं उसी रिक्वेस्ट को दोबारा भेज रहा हूँ। अभी भी 403 क्यों भला। अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे उसको कॉन्सोल करा लेता हूँ कि मुझे बॉडी में क्या मिल रहा है। सही है, कॉन्सोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके और मैं अगेन इसको हिट करता हूँ और यहाँ पे मैं बॉडी में देखना चाहता हूँ कि मुझे क्या मिला। ये क्या सीन है यार, बॉडी में तो कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कैसे हो गया, मैंने कुछ मिस्टेक की आई थिंक। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये डिकोडेड तो मिल रहा है, ये तो कुकी पार्सर ने लगाया ना, ये तो कुकी से पार्स करते हुए मुझे ये बात पूरी मिली है। अरे यार एक काम करते हैं, हम वो बॉडी पार्सर इंस्टॉल कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। या इसको मैं देख लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में कि ये क्या चीज़ है। यू आर एल इनकोडेड मतलब सही लगाया ना, मैं कुछ और लगा दिया।
अच्छा मैंने ये अपने इस पुराने वाले कोड में क्या लिखा है? अच्छा एक्चुअली मैंने इसमें उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा। फॉर्म डेटा को पार्स करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर। हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, मैं ये भूल रहा था। असल में मल्टर जो है ना वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के लिए तो पार्सर होता है, तो मुझे इसमें ये इसकी पार्सर की यूआरएल इनकोडेड की ज़रूरत नहीं थी मुझे एक्चुअली। ठीक है, मुझे इसमें यूआरएल इनकोडेड की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। वो जो मेरा मल्टर है ना वही ये काम कर रहा है। मल्टर का काम ही यही है कि वो क्या कर देता है, वो फॉर्म डेटा को पार्स करता है। अच्छा वेल, तो आज वो मल्टर का कोड उठाते हैं फिर जल्दी से हम। अच्छा जी, ये मेरे पास क्या आ गया, मल्टर का कोड आ गया पूरा का पूरा। अच्छा इतना कोड सबसे पहले मैं उठा के ले आता हूँ किधर, अपने सर्वर की जो मेन फाइल है ना उसके अंदर मैं इसको लेकर आ जाता हूँ और सबसे पहले लगाता हूँ। यानी एक्सप्रेस की ऐप इनिशियलाइज होने से भी पहले मैंने ये मल्टर लगा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पुराना सिंटेक्स है रिक्वायर वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्पोर्ट के नए सिंटेक्स के अंदर। अच्छा अब यहाँ पे जो मैं मल्टर को देखो इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, मल्टर को इंपोर्ट करने के बाद उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में मैं नंबर एक बात तो बता रहा हूँ कि डेस्टिनेशन क्या होगी, क्योंकि डेस्टिनेशन का चक्कर ये है कि जब फ्रंट एंड से कोई फाइल अपलोड होगी ना तो वो सर्वर पे आके ना एक फोल्डर बनता है ऑटोमेटिकली, यानी इस सर्वर डॉट एम जी एस के साथ ही एक फोल्डर बन जाता है। सही है, तो मैंने बोला कि इस फोल्डर का नाम क्या होगा, अपलोड्स। इसका मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। अच्छा जो नाम रखूँगा उसी नाम से फिर मैं फाइल को उठाऊँगा। ठीक है, तो जब भी कोई फाइल आएगी ना उसमें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उधर जाके सेव हो जाएगी। अच्छा दूसरा जो मैं दे रहा हूँ इसको, वो एक फंक्शन दे रहा हूँ मैं। अच्छा फंक्शन में मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरी फाइल का जो नाम होगा ना, यानी जब फोल्डर में वो सेव हो तो उस फाइल का नाम क्या होना चाहिए। अच्छा इस फंक्शन में मुझे एक रिक्वेस्ट मिलती है, फाइल मिलती है और कॉल बैक मिलता है। तो ये फाइल के अंदर डॉट डॉट करके ना मुझे सारी चीज़ें, यानी फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का साइज, एक्स वाई जेड, जो जो चीज़ें हो सकती हैं ना वो सब मुझे फाइल की यहाँ पे मिल रही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तो कंसोल करवाया इस पूरी की पूरी फाइल को, यानी मल्टर के पास जो फाइल रिसीव हुई है फ्रंट एंड से उस पूरी की पूरी फाइल को यहाँ पे मैंने कंसोल करा लिया। अब इसमें फाइल से रिलेटेड जो भी कुछ है ना वो मुझे सब यहाँ मिल रहा होगा, फाइल का साइज वगैरह, एक्स वाई जेड, हर चीज़। अच्छा फिर मुझे कॉल बैक को कॉल करना है, पहला पैरामीटर नल और दूसरा पैरामीटर एक स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा वही फाइल का नाम फोल्डर में बनेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा न्यू डेट। सबसे पहले तो न्यू डेट डॉट गेट टाइम, ये मैंने फाइल के नाम में टाइम को शामिल किया है। मिली सेकेंड में मैंने टाइम को गेट किया, उसको फाइल के नाम में शामिल किया है। उसका रीज़न ये है कि अगर एक ही नाम की फाइल दो दफ़ा अपलोड करता है कोई तो वो पुरानी वाली को रिप्लेस मार देता है। सही है, अगर पुरानी फाइल उसके अंदर पड़ी भी है सेम नाम से, तो लिहाजा आप क्या किया, मैंने टाइम को उसमें इन्वॉल्व किया तो इसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई। अगर एक ही फाइल बंदा दो दफ़ा अपलोड करता है तो एक मिली सेकंड के फर्क से अपलोड करेगा एटलीस्ट। अगर बिल्कुल सेम टाइम पे कर दिया ना उसने तो स्टिल ये काम नहीं करेगा, फिर स्टिल वो पुरानी को रिप्लेस मार देगा। ठीक है, तो लिहाजा इसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए मैंने क्या किया, टाइम को इन्वॉल्व किया कि अगर सेम नाम की फाइल अपलोड करता भी है बंदा तो एकदम फ़ौरन नहीं करता, वो एक दो मिली सेकंड के फ़र्क से ही करेगा, तो मेरा काम सेट रहेगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आगे कार डॉट जेपीजी है ना, तो कार डॉट जेपीजी से पहले ये पूरा मिली सेकंड में टाइम लगा पा रहा होगा। अच्छा इसका एक और बेनिफिट ये हो गया कि मुझे पता भी लग गया कि ये फाइल का टाइम क्या था, है ना। ऐसे ही नाम के अंदर मैंने शामिल कर दिया टाइम को, जैसे आप कैमरे से जब फोटो खींचते हैं ना मोबाइल के कैमरे से या डिजिटल कैमरे से, तो उसमें अक्सर कैमरे क्या करते हैं आपके फाइल के नेम में ना टाइम को शामिल करते हैं या कोई ना कोई नंबर उसमें ऑटोमेटिकली 1 2 3 ऐसे ऐड करते हैं, तो उसका फिर फ़ायदा रहता है बाद में ना, कि एक तो फोटो का वो सीक्वेंस भी मेंटेन करने के लिए आसानी होती है कि जी कौन सी पहले है कौन सी बाद में है। ठीक है ना, जो खींचते हैं आप तो जाहिर है एक इवेंट में आप दाखिल होते हैं और खींचना शुरू करते हैं, फिर वो इवेंट ख़त्म होता है, तो आपको शुरू से और आखिर तक की एक टाइम के साथ वो आपको जो है ना सॉर्टेड इमेजेस मिल जाती हैं, तो ये
टाइम को फाइल के नाम में शामिल करने के बहुत सारे और भी दूसरे फायदे हैं मुझे, लेकिन फिलहाल मेरा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़ायदा है वो ये है कि दो फाइल के नाम आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, आप इस नाम को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अच्छा भाई, तो मल्टर को इंस्टॉल भी कर लेते हैं लगे हाथों, ठीक है, npmi मल्टर। अरे यार, सूडो लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मल्टर को इंस्टॉल किया और दोबारा से इसको npm run dev चला दिया, सही है, ताकि मेरा सर्वर दोबारा चल जाए। अच्छा, अब ये मल्टर की ना मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी तैयार हुई है। ये क्या कह रहा है? अच्छा, ये कह रहा है कि यार मल्टर डॉट करके डिस्क स्टोरेज लगाते हो ना आप, तो यहाँ पे क्या करो आप, डायरेक्ट क्या कर लो, मल्टर के अंदर से ना डिस्क स्टोरेज को डायरेक्ट ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो कह रहा है, फिर यहाँ मल्टर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है? अच्छा, डिक्लेरेशन कह रहा है इसको नहीं मिल रही, डेक्लेरेशन कह रहा है इसको नहीं मिल रही। इसका क्या हल है? कैन नॉट फाइंड डेक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल मल्टर इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप ट्राई npmi दिस। अच्छा, ये कह रहा है कि इसकी टाइप्स जो है ना आप अलग से इसकी इंस्टॉल कर सकते हो, तो कर लो, करके देख लेते हैं। अच्छा, टाइप्स भी इसकी मिल गई हमें। टाइप्स इंस्टॉल करने से क्या होता है कि जो डॉट लगाते हैं ना सामने, सजेशंस आ रही होती हैं, वो टाइप्स में से आ रही होती हैं, ठीक है, वो टाइप स्क्रिप्ट वाला बन जाना। अब क्या एरर दे रहा है? मल्टर इज नॉट डिफाइंड एज, क्या बोल रहा है ये मल्टर? अच्छा, वो असल में मैंने मल्टर डॉट करके किया था ना, मल्टर डॉट करके, तो वो नीचे डायरेक्ट मल्टर भी इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा मल्टर, ऐसे लिख दूँगा, ठीक है, और कॉमा करके मैं दोनों को उठा लूँगा, मल्टर भी उठा लूँगा, डिस्क स्टोरेज भी उठा लूँगा। अब सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, अब सेट हो गया। इसी तरह करते हैं ना रिएक्ट में भी, कि जो चीज़ डायरेक्ट चाहिए होती है उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, जो अंदर से चाहिए होती है उसको अंदर से ले लेते हैं। ये मसला मेरा मल्टर का क्या हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। अच्छा, अब जब मैं क्या करूँगा, मैं अब जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजूँगा अपनी, तो मल्टर अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये जस्ट मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। अब आप वापस आके अगर इस डॉक्यूमेंट में देखें जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये आगे जाके ना जिस रिक्वेस्ट के अंदर आप नोट करें, ये अपलोड की रिक्वेस्ट है जहाँ पे अपलोड हिट होता है, तो यहाँ पे ऐसे करके ना इन्होंने मल्टर को इन्वॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो मैं भी क्या करूँगा, जिस रिक्वेस्ट के अंदर मैं फॉर्म डेटा लेता हूँ, अच्छा ये मैं चाहूँ तो मैं सब रिक्वेस्टों पे भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे होगा क्या, वो एक मिडलवेयर होगा और वो हर दफ़ा उससे गुजर के आ रहा होगा, तो मेरा जो ज़रा आप समझ लें कि एक्स्ट्रा CPU खाएगा मेरा वो, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बॉडी पार्सर डॉट जेसन जो है, इसको भी मैंने यहाँ लगाया हुआ ना, तो हर रिक्वेस्ट इससे गुजर के आती है। तो क्या मुझे हर रिक्वेस्ट में इसकी ज़रूरत है? इसका जवाब है हाँ है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा, वरना इसको भी मैं क्या कर सकता था, ऐसे लगा सकता था। तो मेरे पास अगर 400-500 APIs बनी हुई हैं, तो उसमें से एक दो या चार पांच ही ऐसी होगी जिसमें फ़ाइल एक्सेप्ट करता हूँ मैं, और फाइल एक्सेप्ट करने के लिए मुझे फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट चाहिए होता है, तो लिहाजा मैं सिर्फ उन रिक्वेस्टों के अंदर इसको इस तरह इन्वॉल्व करूँगा। चाहूँ मैं तो उसको इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने मॉर्गन को किया हुआ है, जैसे मैंने कॉर्स को किया हुआ है, कि हर रिक्वेस्ट इससे गुजर गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ यहाँ से, तो अभी वो मल्टर कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई तो है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, सेम रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये post.mjs में जाके यहाँ पर और यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूँगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब रिक्वेस्ट मेरी हिट होगी पोस्ट पे, तो ये मिडलवेयर फंक्शन है पहला, ठीक है,
यहाँ पे रिक्वेस्ट दाखिल होगी इसमें। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर ये क्या करता है मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ भी प्रोसेसिंग करने के बाद ये नेक्स्ट कॉल करेगा, अंदर से नेक्स्ट कॉल करेगा तो ये अगले मिडलवेयर पे मूव कर जाएगा। अच्छा, अगर अगला मिडलवेयर नहीं होता तो नीचे नीचे चला जाता, पाइपलाइन से गुजर रही है ना रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मिडलवेयर और कॉमा डाल के दूसरा मिडलवेयर फंक्शन, यहाँ से नेक्स्ट कॉल करेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट कॉल करने पे ये अगले मिडलवेयर पे जाएगा। अगर ये अगला मिडलवेयर नहीं होता यहाँ तो क्या करता है, ये यहाँ से नेक्स्ट कॉल करते ही फिर ये नीचे चला जाता। तो अभी ये यहाँ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉल होगा, यहाँ जाएगा। अगर यहाँ से नेक्स्ट कॉल होता है तो फिर अगले पे जाएगा, लेकिन मैं मुझे पता है कि यहाँ से नेक्स्ट कॉल नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से क्या कॉल करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, वापस जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी वहाँ भेजता हूँ रिक्वेस्ट को, है ना, रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट दाखिल होगी, इसके अंदर समहाउ ये क्या करेगा, उस फाइल को निकालेगा रिक्वेस्ट में से, उसको फोल्डर के अंदर सेव करेगा, मेरी बताई गई कॉन्फ़िगरेशन के तहत सेव करेगा उसको, देखते हैं। और जब रिक्वेस्ट इस पर से गुजर के आएगी ना तो ये बॉडी भी पार्स हो चुकी होगी, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को पार्स करने के लिए होता है। अच्छा, अब मैं जब रिक्वेस्ट करूँगा तो होपफुली अब मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं मुझे डिफरेंट रिजल्ट। देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे कुछ दूसरा एरर आ गया, अपलोड इज नॉट, ओके गॉट इट। अब चक्कर ये है कि मैंने इसको लगाया हुआ तो इधर है और मैं यूज़ इसको दूसरे पे कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ नहीं लगाता हूँ ना, मैं इसको वहीं ले जाता हूँ, क्योंकि ये तो कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैं तो कहीं भी बना सकता हूँ ये, तो लिहाजा मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे नहीं बनाता, यहाँ से मैं कट करके उधर ही ले जाता हूँ, इसको पोस्ट वाले फाइल के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ ले जाता हूँ मैं इसको, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था कि वहाँ से उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो सेटिंग कर लेता, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता, या मैं क्या करता एक बिल्कुल ही तीसरी फाइल में बना देता और वहाँ से इम्पोर्ट करके सब जगह इस्तेमाल करता, लेकिन चक्कर ये कि हर के लिए ना ये अलग अलग बनेगा। मिसाल के तौर पर मैं प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड लेता हूँ जब, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डेट या प्रोफाइल, सबसे पहले लिखूँगा मैं प्रोफाइल डैश करके लिखूँगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पोस्ट इमेज, पोस्ट आई एम जी डैश, उसके बाद मिली सेकेंड में टाइम, उसके बाद डैश और एक्चुअल फाइल का जो नेम वहाँ से आया था फिर वो। तो मैं अभी इस तरह इसको करना चाहता हूँ, तो ये हर दफ़ा अलग अलग बनेगा, यानी जितनी APIs में भी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँगा मल्टर की, वो हर के लिए मैं अलग अलग बनाऊँगा, क्योंकि नाम मैंने अलग अलग रखना होता है मोस्टली, फोल्डर भी मोस्टली अलग अलग होता है, जैसे डेस्टिनेशन इसका अपलोड्स है, लेकिन किसी वाले में डेस्टिनेशन क्या करूँगा, प्रोफाइल फ़ोटो। तो वैसे तो मेरे सर्वर पे जो जब वो बनेगा ना फोल्डर आके और उसमें फ़ाइल जब आएगी, फ्रंट एंड से भेजा मेरे सर्वर पे आई, मेरे सर्वर के फोल्डर में सेव हुई वो फाइल, तो मैं उसको अपने सर्वर के फोल्डर में छोड़ूंगा तो नहीं, मैं उसको वहाँ से फ़ौरन उठा के बकेट में फेंकूंगा और अपने सर्वर को खाली कर दूंगा। वो मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल ये फोल्डर का नाम और ये फाइल का नाम ये अलग अलग होगा हर API के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम भी हो सकता है कभी कभी। अच्छा, तो मैंने उसको उठा के ना यहाँ पे ला के रख लिया। अब ज़रा हिट करते हैं दोबारा और अब देखते हैं कि ये पोस्ट की API जब हिट होती है तो क्या ये अपलोड डॉट एनी चलने की वजह से फॉर्म डेटा पार्स होता है कि नहीं होता, और यहाँ पे फोल्डर बन के आता है कि नहीं आता, ये दो चीज़ें। आ जाओ दोबारा इसको हिट करते हैं, यहाँ से पब्लिश किया मैंने, अभी भी एरर आ गया। क्या एरर आ गया, 401 क्यों? अच्छा, पहले तो देखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में बॉडी में क्या आया। कुकीज़ के अंदर ऑब्जेक्ट नल हो गया। अच्छा, कुकीज़ के अंदर ऑब्जेक्ट नल हो गया, ये क्या चक्कर है भाई? अच्छा, या तो वो 24 घंटे का लगने की वजह से एक्सपायर हुआ था तो इसको रिफ्रेश पे लॉगिन के पेज पे ले गया। अच्छा, एग्जैक्टली 24 घंटे पे हुआ है ये, क्योंकि कल इसी टाइम पे हमने लॉगिन किया था ना 7:40 पे, तो आज 7:40 हो गया तो वो एक्सपायर हो चुका है टोकन, हालांकि मैंने लॉग आउट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो कल का ही सेव हुआ हुआ था इस पर। अच्छा, तो दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, मुझे लगा कि शायद फॉर्म डेटा के अंदर मुझे वो अलग से कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, दोबारा लॉगिन हो गया। चलो भाई दोबारा से हिट करते हैं। अब मैंने कहा ABC टाइटल और कुछ इस पर टेक्स्ट, और साथ में एक फ़ाइल भी चूज़ कर लेते हैं, एक फ़ाइल भी चूज़ कर ली मैंने अगेन, ठीक है, और अगेन इसको मैं हिट करता हूँ। अब 50 आया, अब देखते हैं क्या मसला है, अब क्या चक्कर है भाई इसको। अच्छा भाई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट नल प्रोटोटाइप। अच्छा, टाइटल और टेक्स्ट तो देखो मिलने लग गया, ABC टाइटल और ABC टेक्स्ट, ये तो मिलने लग गया, लेकिन इसने बेवकूफ़ ने किया क्या है कि वो ना
मेरे बॉडी में जो वो आता था, जो कुकीज़ पार्सर के जरिए जो मैं डेटा डालता था, वो इसने उड़ा दिया, वो इसने उड़ा दिया। पहले तो ये डिकोडेड मेरे पास आता है शुरू में, और डिकोडेड के बाद आता है ये मल्टी फाइल। ये मल्टी फाइल मैंने कहाँ से करवाया हुआ है? वो इस जगह से करवाया हुआ है मैंने। ये वो वाला कंसोल सही है। और ये वाला कंसोल आने के बाद जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लास्ट में मेरे पास प्रिंट होती है, किधर प्रिंट होती है? इस जगह पे जो प्रिंट होती है। तो इसने जवान ने क्या किया कि ये बॉडी में टाइटल और टेक्स्ट तो रख दिया, लेकिन वो जो पहले का डेटा था ना डिकोडेड करके जो मैं कुकी से ला, वो उड़ा दिया इसने। तो उसके बगैर तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अब तो ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कोई गड़बड़ की है। इस कॉन्फ़िगरेशन को उठा लेते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन उठा के हम चैट जीपीटी से ज़रा जल्दी से एक बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यार अबव मल्टर कॉन्फ़िग रिप्लेस एग्जिस्टिंग बॉडी, इंस्टेड आई वांट टू अपेंड द बॉडी। सही है, देखते हैं क्या करता है अभी। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मल्टर डॉट एनी नहीं लगाओ, आप लगाओ मल्टर डॉट नन, ये लगाओ आप। आ जाते हैं, वो लगा के देख लेते हैं। कह रहे हैं बाकी की तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है आपकी, ज़बरदस्त है, लेकिन कह रहे हैं वो मल्टर डॉट एनी आपने जो लगाया ना, इसकी वजह से वो गड़बड़ हो रही है। मल्टर डॉट नन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि रिटर्न मिडलवेयर दैट एक्सेप्ट ओनली नन फाइल पार्ट ऑफ द फील्ड। वेल, करके देखते हैं हिट। लिखा हुआ तो खैर कुछ और ही आ रहा है नन के डेफिनेशन में। वो कह रहा है कि पता नहीं वो कोई खास तरह की फाइल पकड़ेगा। अब अच्छा, सर्वर तो मेरा क्रैश हुआ है ना, इसको दोबारा स्टार्ट तो करें। मल्टर का एक एरर और अभी आया है। अच्छा, डिकोडेड प्रिंट हुआ, डिकोडेड प्रिंट होने के बाद मल्टर का एरर आ गया डायरेक्ट। क्या एरर आया भाई, देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ अच्छी हो गई है कि अपलोड का फोल्डर यहाँ देखो बना हुआ आ गया, और यहाँ पे वो फाइल भी पहुँच गई है। सही है, लेकिन वो फाइल पहुँचने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हम देख लेते हैं कि वो क्या गड़बड़ है। अभी क्या एरर का मैसेज लिखा है इसने? कुछ लिखा ही नहीं है। अनएक्सपेक्टेड फील्ड, एक दफ़ा मैं इस अपलोड को डिलीट मारता हूँ। सही है, और दोबारा आके यहाँ से हिट करता हूँ। अच्छा, ये जो अपलोड डॉट नन है ना, इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ आ रहा था कि कोई ख़ास तरह की फाइल को ये उठाता है, तो वो ज़रा चल के पढ़ लेते हैं कि क्या चक्कर है। अच्छा, ये आ गया ना नन। इन केस यू नीड टू हैंडल द टेक्स्ट ओनली मल्टी पार्ट फॉर्म यू शुड यूज नन मेथड। अच्छा, वो कह रहा है कि नन में क्या होगा कि सिर्फ टेक्स्ट ओनली वाले को पकड़ेगा, फाइल वाले को नहीं पकड़ेगा। अबे ये क्या है, ये तो उल्टा सीन है, ये तो हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये आ गया ना, एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट फील्ड्स, एक्सेप्ट ऑल फाइल्स दैट कम ओवर द वायर। करना तो हमें यही वाला ही है, डॉट एनी ही करना है हमें, करना तो हमें यही वाला है डॉट एनी, लेकिन वो कर ये रहा है कि वो मेरी बॉडी को उड़ा देता है।